हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपसे बात करूंगा एक इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे ड्रग कोटेड बलून्स क्या होते हैं और ये किस तरह से यूज़फुल होते हैं, स्टेंट के बदले क्या इन्हें यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली ये एक केमिकल कोटेड बलून होते हैं, यानी कि जो स्टेंट के ऊपर एंटी कैंसर केमिकल्स यूज़ किया जाता है, सिरोलिमस, पैक्लिटेक्सिल, ये केमिकल्स को डायरेक्ट बलून के ऊपर ही कोट कर देते हैं और इसको स्टेंट्स के बदले यूज़ किए जाने का प्रोटोकॉल है, पैटर्न कुछ केसेस में यूज़ किया जाता है। ये एग्जैक्टली क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी, क्या स्टेंट्स के बदले इन्हें यूज़ करें तो पेशेंट को कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्या इसके द्वारा हम स्टेंट के अंदर जो मेटल बॉडी के अंदर रह जाता है उसको अगर हम अवॉइड करते तो एक्चुअल में पेशेंट को कुछ फ़ायदा है, इस टेक्नोलॉजी के क्या प्लसेज और माइनसेज हैं, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा इसे एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काम करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता रहेगा ताकि हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ड्रग कोटेड बलून्स पर। बेसिकली एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोप्लास्टी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम नली के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको साइड पर, कचरे को साइड पर कर देते हैं, जिसके द्वारा हम एक वायर को नली में पास करते हैं, उसमें एक बलून को फुलाते हैं, बलून से जब कचरा साइड पर हो जाता है तो हम वहाँ पर स्टेंट लगा देते हैं। स्टेंट लगाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि नली के अंदर एक इलास्टिक रिकॉइल होता है। नली जो है बेसिकली एक प्लास्टिक की ट्यूब नहीं होती, वो एक इलास्टिक की ट्यूब होती है जिसको जब हम अगर फुलाएंगे बलून से तो थोड़ी देर के लिए नली जरूर चौड़ी हो जाएगी, लेकिन जब बलून को बाहर निकालेंगे तो नली वापस से दब जाएगी, तो रिकॉइल होने की वजह से वापस कचरा ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा, वापस नली दब जाएगी, नली बंद हो जाएगी, उसमें क्लॉट हो सकता है। खासकर ऐसे केसेस में जहां नलियों में कुछ डिसेक्शन हो जाए या क्रैक हो जाए, यानी बलून फुलाने के अंदर अगर दीवार में अगर तरेड़ पड़ जाए तो वैसे केसेस में रीब्लॉक का चांस कई गुना बढ़ जाता है। और स्टेंट्स को इसीलिए डेवलप किया गया था कि वो उस क्रैक को सील कर सके और नली के कचरे को या क्लॉट को अंदर वापस आने नहीं दे, प्रोट्रूड करने नहीं दे, लुमेन के अंदर आने नहीं दे, नली में वापस व्यवधान या रुकावट उत्पन्न ना करने दे, इसलिए स्टेंट्स को डेवलप किया गया था। लेकिन स्टेंट्स में टेक्नोलॉजी में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टेंट होता तो मेटल है, स्टेंट्स में रीब्लॉकेज ना आए, इसलिए स्टेंट्स के ऊपर एक एंटी कैंसर केमिकल जिससे सिरोलिमस, ज़ोटारोलिमस, एवरोलिमस, इस तरह का केमिकल उस पर कोट कर दिया जाता है। ये बेसिकली पहले कैंसर के थेरेपी के लिए डेवलप किए गए केमिकल्स थे, लेकिन ये पाया गया कि जब ये स्टेंट के अंदर लगा के, जब इन्हें कोट करके लगा दिया जाता है तो स्टेंट में जो रीब्लॉकेज का चांस है रूज बनने की वजह से, उसके चांसेस को ये कम कर देता है। यानी कि स्टेंट में, सादे स्टेंट में या नॉन ड्रग कोटेड स्टेंट में जो रीब्लॉकेज का चांस 25% था 6 मंथ्स में, उसको कम करके ये 5 मंथ्स या 6 मंथ्स में 5% पर ले आता है। तो ये स्टेंट का बेसिक फ़ायदा ये रहता है कि ये रीब्लॉकेज के चांसेस को कम करता है, नली के रिकॉइल को चांसेस को कम करता है, क्रैक पड़ी हुई नली में ब्लॉकेज को सील करने के लिए, क्रैक को सील करने के लिए, चिपका देने के लिए यूज़फुल रहता है, कोई कचरा नली के अंदर प्रोट्रूड नहीं करे इसलिए उसको जेल कर देता है, और केमिकल की कोटिंग रहती है तो वो रीब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि ये केमिकल जो है इसका असर मैक्सिमम 2-4 महीने तक ही रहता है। स्टेंट पर बेसिकली एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर रहता है जो इस केमिकल को बांध के रखता है, धीरे धीरे करके वो केमिकल निकलता चला जाता है, थोड़े टाइम के साथ वो केमिकल रक्त के बहाव के साथ बह जाता है, कुछ स्टेंट के दीवार पर असर करता है लेकिन कुछ ब्लड के बहाव के साथ बह जाता है। तो ये पाया गया कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जहाँ पे स्टेंट की ज़रूरत नहीं है या मेटल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे केसेस में जहाँ ब्लॉकेज बहुत हार्ड नहीं है, टाइट नहीं है, कचरा बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर हम सिर्फ बलून करके वहाँ रख दें और केमिकल जो है वो बलून पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कोट कर दें, ताकि जब हम बलून को वहाँ फुलाएं तो केमिकल थोड़ी देर के लिए दीवार पर बैठ जाए और स्टेंट में रू जाने की प्रोसेस को वो रोक सके। ये टेक्नोलॉजी कुछ केसेस में यूज़फुल है, लेकिन स्टेंट्स के कंपैरिजन में इसके रिजल्ट्स इन्फीरियर है, इसलिए इसको ज़्यादातर केसेस में यूज़ नहीं किया जाता। इसके कारण कई हैं क्यों इन्फीरियर है। एक तो जैसा कि मैंने कहा कि ये नली के रिकॉइल को प्रिवेंट नहीं कर सकते, यानी कचरा अगर वापस बंद हो रहा है तो वहाँ मेटल की ज़रूरत है कि वो नली को पकड़ के रख सके ताकि नली रिकॉइल ना हो, कचरा वापस प्रोट्रूड ना करे। दूसरा, अगर बलून फुलाने के दौरान स्टेंट के मतलब बलून के इफेक्ट से, प्रेशर से अगर नली में कुछ क्रैक हो जाता है, जिसे एज डिसेक्शन या स्टेंट डिसेक्शन, सॉरी वेसल वॉल डिसेक्शन बोलते हैं, वो स्टेंट अगर लगा दिया जाए तो वो डिसेक्शन की दीवारों को सील कर देता है, एक तरह से बंद कर देता है ताकि उसमें हीलिंग हो जाए और उसको नली को बंद करने नहीं देता, क्लॉटिंग का चांस को कम कर देता है। तीसरा, जो हार्ड ब्लॉकेजेस होते हैं वो सिर्फ कई बार बलून से नहीं खुलते हैं, मेटल में थोड़ा टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ होती है जो कचरे को ज़्यादा फोर्स से साइड में करता है तो नली परमानेंटली खुली रहती है। ये
स्टेंट्स का एडवांटेजेस है ओवर बलून, इसलिए काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया कि स्टेंटिंग का रिजल्ट्स ओवरऑल बेटर आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ऑलरेडी एक स्टेंट कर दिया आपने, अब स्टेंट के अंदर रीब्लॉकेज हो गया है, तो अब वो कचरे को साइड में किया जा सकता है, ऑलरेडी वहाँ पे एक स्टेंट मेटल तो है जो रिकॉइल का टेक केयर करेगा। तो जहाँ पे ऐसा होता है कि ऑलरेडी एक स्टेंट है उसके ऊपर दूसरा कोटिंग स्टेंट का किया जाए, लेयर बाय लेयर समझ लीजिए सेकंड टाइम भी कर दिया, फिर से रीब्लॉकेज आ गया, तो बार बार मेटल की लेयर ना जमे, खासकर अगर कोई ऐसा जगह पे है जहाँ साइड में ब्रांचेस ज़्यादा हैं, तो जितने मेटल की लेयर आते जाएंगे उतने ब्रांचेज में ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो वहाँ केसेस में ड्रग कोटेड बलून यूज़फुल है कि वो स्टेंट्स जब मल्टीपल लेयर्स में वहाँ जमा हो जाते हैं, वो ब्रांचेस का एक्सेस को भी प्रॉब्लम करते हैं कि ब्रांचेस में कोई वायर वायर डालना हो या फ्यूचर में कोई प्रोसीजर करना हो किसी ब्रांच में तो मुश्किल हो जाता है। प्लस मल्टीपल ब्रांचेस पर मल्टीपल अगर स्टेंट्स की लेयर आ जाए, स्ट्रट्स की लेयर आ जाए, तो वो प्रॉब्लम्स करती है, रीब्लॉकेज का चांसेस बढ़ जाते हैं और मेटल की लेयर जगह को और कम करती जाती है। हर मेटल बाय मेटल, लेयर बाय लेयर अगर अपन डालते जाते हैं तो अंदर रीब्लॉकेज का चांस बढ़ जाता है, ज़्यादा नंबर ऑफ मेटल्स होने से नली के अंदर का सतह कम हो जाता है। तो वैसे केसेस में जहाँ रीब्लॉकेज हुआ हो वहाँ कई बार ड्रग कोटेड बलून यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे स्टेंट में मेटल रखने की जगह नहीं है कि वेसल वॉल वहाँ पे इतनी ऐसे एंगल पे आ रही है कि अगर आप स्टेंट रखोगे तो दूसरे वेसल्स का फ्लो को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, या स्टेंट वहाँ पे अगर दूसरी जगह में प्रोट्रूड करेगा टेक्निकल कारणों से तो मुसीबत कर सकता है। तो खासकर सर्कमफ्लेक्स वेसल जो है उसके ऑस्टियम में, यानी जहाँ से वो जल्दी चालू होती है, उस जगह पे अगर कोई ब्लॉकेज हो तो वहाँ ड्रग कोटेड बलून को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि स्टेंट रखने से बाद में टेक्निकल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, जिससे अगर स्टेंट में रीब्लॉकेज आते हैं तो दोबारा ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में, आइसोलेटेड केसेस में जहाँ स्टेंट में रीब्लॉकेज हो या टेक्निकल कारणों से स्टेंट पॉसिबल ना हो, तो वहाँ पे ड्रग कोटेड बलून को प्रेफर किया जाता है एज अ फर्स्ट ऑप्शन। यूजली इसको काफ़ी लोगों ने मार्केट किया, काफ़ी स्टडीज़ भी हुई कि स्टेंट के बदले क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं, खासकर पतली और छोटी नलियों में जहाँ स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पे इनको डेटा मिला, लेकिन ज़्यादातर केसेस में डेटा थोड़ा सा स्टेंट से इन्फीरियर ही मिला। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल जहाँ पे स्टेंटिंग पॉसिबल हो वहाँ स्टेंट ही करना चाहिए। टेक्निकल कारणों से यहाँ जहाँ ऑलरेडी स्टेंट में रीब्लॉकेज है या बहुत पतली है नली, स्टेंट नहीं कर सकते हैं, या स्टेंट करने से मेटल जाने से कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ब्रांचेस का एक्सेस को प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे ड्रग कोटेड बलून को प्रेफर किया जाता है। ये ड्रग कोटेड बलून जो इंडिया में डेवलप होता है वो सिरोलिमस कोटेड बलून होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो ड्रग कोटेड बलून की स्टडीज़ है वो पैक्लिटेक्सल केमिकल के साथ है। ज़्यादातर फॉरेन डेटा ये कहता है कि पैक्लिटेक्सल एकमात्र केमिकल है जो ड्रग कोटेड बलून के लिए सूटेबल है। इंडियन जो ड्रग कोटेड बलून बनाए गए हैं वो सिरोलिमस कोटेड रहते हैं, वही केमिकल है जो ज़्यादातर इंडियन स्टेंट्स में भी कोटेड रहता है, लेकिन ये केमिकल्स के रिजल्ट्स उतने टेस्टेड नहीं है जितने कि वेस्टर्न डेटा है ओवरऑल। लेकिन ये तो मान के ही चलिए कि ड्रग कोटेड बलून के रिजल्ट स्टेंट्स के कंपैरिजन में इन्फीरियर है। सिलेक्टेड केसेस पर ही आप डॉक्टर पर छोड़ दीजिए कहाँ उसको लग रहा है कि स्टेंट पॉसिबल नहीं है टेक्निकल कारणों से, या स्टेंट्स मल्टीपल डालने से प्रॉब्लम होगी, वहीं पर ड्रग कोटेड बलून को यूज़ किया जाता है। स्टेंट के बदले इनको बहुत कम केसेस में डॉक्टर डिसीजन पर ही छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कर सकते कि पेशेंट सिलेक्ट करे कि नहीं साहब मुझे आप स्टेंट मत करो, मुझे ड्रग कोटेड बलून करो, मेरे को तो ये अच्छा है, मेरे को तो स्टेंट चाहिए ही नहीं, मेटल चाहिए नहीं, आप तो बलून कर दो। तो वो केसेस में ऐसा टेक्निकल उस पर डॉक्टर्स पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके ही रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। और एज ऑफ नाउ ये टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं है जितनी स्टेंट्स की टेक्नोलॉजी है। दुनिया भर में ज़्यादातर केस में स्टेंट्स ही यूज़ होते हैं, लेस देन 1-2% केसेस में ही दुनिया भर में ड्रग कोटेड बलून को यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज और भी रहते हैं कि जब ड्रग कोटेड बलून को आप नली के पास लेके जाते हो तो ब्लड के थ्रू हो जाता है, तो ब्लड के थ्रू जाने के दौरान ही काफ़ी केमिकल उसमें लीच आउट हो जाता है, ब्लड के भाव से बह जाता है, तो वहाँ नली के एंड तक जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ कितना केमिकल रहता है वो प्रॉपरली असेस नहीं हो पाता। दूसरा, केमिकल का कितना कॉन्सेंट्रेशन नली में होना चाहिए, किस लेवल से नली बलून को फुलाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नली में पहली बार आप बलून लेके गए और पुश करने में प्रॉब्लम आई और बलून घुस ही नहीं पाया, तो आपका इतने देर में प्रोसेसिंग में सारा बलून का केमिकल ही बह जाएगा। तो आपको पहले एक और बलून से जगह करके क्रिएट करना पड़ता है स्पेस, उसके बाद नली के साइज़ का ड्रग कोटेड बलून वहाँ ले जाके फुलाना पड़ता है, एक मिनट तक उसे इन्फ्लेट करके रखना पड़ता है ताकि केमिकल अंदर पेंट्रेट कर जाए, फिर आप बलून को निकाल देते हैं। तो टेक्नोलॉजी अच्छी है स्टेंट्स के कंपेरिजन में, रिजल्ट
सादे बलून से काफ़ी अच्छे हैं। सादे बलून में जैसा कि हमने कहा था कि रीब्लॉकेज का चांस 25-40% है, स्टेंट्स में रीब्लॉकेज का चांस 5% है। तो ये इसके रिजल्ट समवेयर इन बिटवीन है, दोनों के बीच में कुछ है, मतलब एग्जैक्ट कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। मान के चलिए स्टेंट्स में 5%, बलून में 25%, तो इसमें मे भी 10% जैसा रीब्लॉकेज का चांस आएगा। इसलिए सिलेक्टेड केसेज में जहाँ स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से यूज़ किया जाता है। लेकिन ड्रग कोटेड बलून की टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस्ड या उतने ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है इसमें, और कितना कॉन्सेंट्रेशन में केमिकल अंदर जाना चाहिए, केमिकल कितने कॉन्सेंट्रेशन में। और कई बार क्या होता है कि केस टू केस वेरी भी करता है कि हम कोटिंग तो अच्छी करते हैं उस हिसाब से, लेकिन क्योंकि बलून अंदर पुश करने में टाइम लग गया, बलून सही जगह पर पहुँच नहीं पाया, पहुँचने में टाइम ज़्यादा लग गया, उस दौरान ब्लड में ज़्यादा देर तक रह गया तो बलून से केमिकल बह गया। क्योंकि स्टेंट में तो जो केमिकल है वो एक पॉलीमर से बंधा हुआ होता है, तो पॉलीमर से बांध के इस तरह से बनाया जाता है कि वो केमिकल जो महीने दो महीने में धीरे धीरे करके निकलता है। तो स्टडीज़ में ये मिला है कि वो धीरे धीरे निकलने वाला प्रोसेस जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब स्टेंट में जो केमिकल से आपने बलून चिपका दी और केमिकल वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गया तो वो ब्लड से आगे भी बह सकता है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दीवार में बह गया तो तुरंत ही अंदर अब्जॉर्ब हो गया, वो दीवार की सतह पर रह के ब्लड के साथ बह भी सकता है। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन केमिकल का अंदर मिलेगा और वो एक्चुअल में कुछ इफेक्ट कर भी पाएगा रीब्लॉकेज के चांसेस में कि नहीं, ये थोड़ा सा डाउटफुल डेटा है। इसीलिए ड्रग कोटेड बलून का रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है स्टेंट के कंपैरिजन में। स्टेंटिंग के टेक्नोलॉजी में क्या है, केमिकल कितना पेस से निकलेगा वो सब चीज़ प्रॉपरली रिसर्च की हुई है, कितना केमिकल अंदर जाएगा, कितना केमिकल का पेनिट्रेशन होना चाहिए, कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, पॉलीमर कितने महीने में डिग्रेड करेगा तो कितने देर तक केमिकल का असर रहेगा, ये सारे फैक्टर्स की वजह से ड्रग कोटेड स्टेंट के रिजल्ट ड्रग कोटेड बलून से बेटर आते हैं। हमारे टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये था कि ड्रग कोटेड बलून और ड्रग कोटेड स्टेंट्स के बीच में डिफरेंस हमने बताया। ड्रग कोटेड बलून नई टेक्नोलॉजी है, स्टेंट से ज़्यादा बाद में डेवलप हुई है, लेकिन आज तक इसके डेटा इतना ज़्यादा अच्छा अवेलेबल नहीं है जो ये हम डॉक्टर्स को कंपेयर करें कि स्टेंट्स के बदले इसको यूज़ किया जाए। हाँ, कुछ सिलेक्टेड केसेस में जहाँ टेक्निकल कारणों से स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है या हमें ऐसा लगता है कि और लेयर बाय लेयर मेटल नहीं डालना चाहिए, वहाँ पे ऑलरेडी मेटल है, वहाँ पे रीब्लॉकेज हो गया है स्टेंट में, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है सिलेक्टेड केसेस में। इसका कॉस्ट स्टेंट के कंपैरिजन में लगभग सेम है या थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए कॉस्ट वाइज ये बहुत सस्ता है वैसा नहीं है, पर लेकिन ये टेक्नोलॉजी का डिसीजन आपको डॉक्टर्स पर ही छोड़ देना चाहिए कि कहाँ सूटेबल है या नहीं। ड्रग कोटेड बलून भले अच्छी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, लेकिन क्योंकि डेटा इतना अवेलेबल नहीं है इसलिए ये 100 में से 1-2% केस में ही यूज़ होता है। 98-99% केस में स्टेंट ही यूज़ होता है क्योंकि इसके साथ ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता है, प्रॉब्लम्स आने का चांस कम रहता है। आज के टॉपिक में हमने बात की कि ड्रग कोटेड स्टेंट और बलून में क्या डिफरेंस है, किस स्पेसिस में वो यूज़ किया जा सकता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, ड्रग कोटेड बलून स्टेंट्स के कंपैरिजन में कैसे एक्ट करते हैं। और हाँ, कुछ लोग जैसा कहते हैं कि बलून स्टेंट को दवा में डुबा के निकाल लिया और बलून को डुबा के निकाल लिया, वैसा नहीं है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें कितने कॉन्सेंट्रेशन में उसको स्प्रे किया जाता है और कितने कॉन्सेंट्रेशन में उसको कोट किया जाता है, वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगती है। तो इसलिए सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एज ऑफ नाउ स्टेंटिंग की टेक्नोलॉजी ही ज़्यादा रिसर्च्ड है, ज़्यादा एडवांस्ड है, तो इसीलिए ज़्यादातर केस में वही प्रेफर किया जाता है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं ताकि इस तरह का डेटा आपके लिए एक्सेसिबल रहे, आप इसके लिए डॉक्टर के पास और बार बार लोगों के पास भटकना नहीं पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से पेशेंट का फायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे ताकि आप अपने पेशेंट का भला कर सकें, पेशेंट की बीमारी को समझ सकें, उसको बेटर ट्रीट कर सकें, डॉक्टर के साथ डिस्कस बेटर कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए या फ्यूचर में कुछ और क्वेरीज आपकी हैं या आपके पेशेंट से रिलेटेड कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बता सकते हैं, तो हम उनको आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल अंत में आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को अंत तक देखा और होपफुली मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा था वो क्लियर हुआ। यदि फिर भी कोई डाउट्स और क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप पूछिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमें कंटिन्यूसली मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे ताकि हम आपके लिए अच्छे कंटेंट